दोस्तों, कल 1 जनवरी 2021 है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में उन्नति हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर एक ऐसा बीम है जिसका एक पार्ट फिक्स रहता है किसी रिजिड बॉडी से और इसका जो दूसरा पार्ट है वो फ्री रहता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर ए बी एक बीम है जिसका ए पार्ट फिक्स है इस वॉल से और जो पार्ट बी है उसमें एक लोड डब्लू लगा दिया गया है, जिससे इसका जो पार्ट बी है वो वेट डब्लू के कारण बी डैश पे आ गया है, क्योंकि जो पार्ट बी है वो फ्री है और जो पार्ट ए है वो फिक्स किया गया है। तो लोड के बेंडिंग मोमेंट के कारण जो एंड पॉइंट बी है वो बेंड हो जाता है और बी डैश तक बेंड होता है। हम यहां पे ये अज्यूम करते हैं कि बीम का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है तथा बीम का लेंथ हम एल कंसीडर करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिस्टेंस पे इस बीम का डिप्रेशन या बेंडिंग कितना होता है। हम मान लिए कि बीम के लेयर पी पर जहां तक डिस्टेंस एक्स है, ये लेयर पी है, पॉइंट ए से पी तक का डिस्टेंस एक्स है। तो इस केस में पॉइंट पी पर लोड डब्लू का जो मोमेंट है वो मोमेंट पी इक्वल टू होगा डब्लू एल माइनस एक्स। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, यहां पे वही सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं जो कि आपको डायग्राम में बता दिया गया है। तो पॉइंट पी पर जो लोड डब्लू का मोमेंट है पी इक्वल टू डब्लू एल माइनस एक्स है। अब चूंकि जो बेंटिंग बीम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट और लोड के कारण जो मोमेंट है वो दोनों इक्वल होगा। रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट का मतलब ये है कि जब उसमें वेट डब्लू फ्री एंड पॉइंट पे लगा दिया गया है तो राड अपनी इनिशियल पोजीशन बी पर फिर से रिटर्न होना चाहता है, तो बी तक रिटर्न होने के लिए एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहां हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ए से बाई तक की डिस्टेंस एक्स है तथा बाई से बी तक की डिस्टेंस एल माइनस एक्स है, क्योंकि ए से बी तक की डिस्टेंस एल लिया गया है। फिर ये जो बाई पॉइंट पी से राड के बीच की डिस्टेंस वाई लिया गया है तथा बेंडिंग राड ए बी डैश के पॉइंट क्यू से राड की डिस्टेंस बाई प्लस डी बाई, ये लिखा हुआ है बाई प्लस डी बाई, ये डी बाई है, लिया गया है तथा पॉइंट बी और बी डैश के बीच में जो डिप्रेशन है वो डेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब यहां पे वेट डब्लू लगा दिया गया है तो इस वेट के कारण बी डैश नीचे की ओर बेंट हो गया है, लेकिन राड ये हमेशा ट्राई करेगा, उसमें एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स के कारण राड फिर से अपने इनिशियल पोजीशन बी तक रिटर्न हो जाए। इस फोर्स को रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट हम कहते हैं। अब हम चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ लोड दोनों इक्वल हैं, इस केस में बाई आई अपॉन आर इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स होगा, जहां पे बाई बीम के मटेरियल का यंग मॉडुलस है तथा आई
बीम का ज्योमेट्रिकल मोमेंट है, आर बेंडिंग में बीम के न्यूट्रल एक्सिस के कर्वेचर का रेडियस है, जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं। अब हम जानते हैं कि 1/r = d²y/dx² / 1+dy/dx² 3/2, ये जो बेंडिंग राड है ये उसकी रेडियस, बेंडिंग राड की रेडियस की स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली गई है। अब चूंकि यहां पर y जो है लेयर p के डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लेंथ है बाई ये काफी स्मॉल है, इसके कारण dy/dx² निगलेक्ट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू काफी लो होगी एज कंपेयर टू वन से। वन के रेस्पेक्ट में dy/dx की वैल्यू काफी कम होगी, इसलिए इस वैल्यू को अपन ओमिट कर देंगे। तो यहां से 1/r = हो जाएगा d²y/dx². अब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन वन में यहां पे हमने पुट कर दिया 1/r की जगह और फिर इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो d²y/dx² ध्यान रखना दोस्तों ये जो कैपिटल वाई है ये यंग मॉडुलस है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये सिर्फ इस वाई का होगा, ये जो कैपिटल वाई है ये यंग मॉडुलस का वाई है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx आएगा, एल को इंटीग्रेट करेंगे तो lx हो जाएगा और x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा। यहां पर a1 एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया गया है, क्योंकि इंड पॉइंट ए पर जो डिप्रेशन है वो जीरो होगा, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ए फिक्स किया गया है, इसलिए x = 0 पे y = 0 होगा, क्योंकि जब वहां पे बेंड नहीं होगा तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए dy/dx = 0 होगा और x = 0 होगा। ये सब लिमिटिंग कंडीशन पुट करेंगे तो यहां से a1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड से कि dy/dx = ω/i Lx - x²/2 हो जाएगा, क्योंकि a1 की वैल्यू जीरो हो गई। अब इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx का इंटीग्रेशन y होगा तथा x का इंटीग्रेशन x²/2 और x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, तो x²/2 का इंटीग्रेशन x³/6 होगा। यहां पर फिर से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a2 कंसीडर किया गया है, यहां पर a2 जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जब x = 0 होता है तो y = 0 होता है, x = 0 का मतलब कैंटिलीवर का फिक्स्ड पार्ट पॉइंट ए, तो ये वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो यहां से a2 की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इस तरह से y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड के द्वारा गिवेन होगा, ये जो y है ये डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड जो एंड पॉइंट है कैंटिलीवर का जो फिक्स्ड एंड पॉइंट है उससे x डिस्टेंस पर कितना डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन को इक्वेशन थर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब यदि डिप्रेशन मैक्सिमम देखना है तो सबसे अधिक डिप्रेशन होगा फ्री एंड पॉइंट पे, मतलब पॉइंट बी पर डिप्रेशन सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो वेट है वो पॉइंट बी पर ही अप्लाई है, इसलिए एंड जो फ्री एंड पॉइंट है बी है वहां पे मैक्सिमम डिप्रेशन होगा। तो इस तरह से जब हम बी पे अप्लाई करेंगे तो बी के लिए पॉइंट बी के लिए x = L हो जाएगा, इसलिए फ्री एंड पॉइंट पे जब x = L पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम डिप्रेशन है जिसको हम बाई मैक्स के द्वारा या डेल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से Δ = हो जाएगा w/i Lq/2 - Lq/6। Lq क्यों हुआ, क्योंकि एंड पॉइंट बी तक की डिस्टेंस x = L होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कैंटिलीवर का एंड पॉइंट पे
कितना डिप्रेशन होगा, कितना बेंडिंग होगा, वो डेरिवेशन कैलकुलेट किया गया है। यहां पे जो आई है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई की वैल्यू बीडी क्यूब अपॉन 12 हो सकता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, जहां पर बी ब्रेथ तथा डी डेप्थ होगा। और यदि हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसकी रेडियस आर है, तब आई की वैल्यू होगी पाई आर की पावर 4/4। तो ये आई की वैल्यू पुट करके और डब्ल्यू वेट की वैल्यू पुट करके, कैंटिलीवर एल की डिस्टेंस को काउंट करके, यंग मॉडुलस काउंट करके, हम किसी भी बीम का एंड फ्री एंड पॉइंट से कितना बेंड होगा, डिप्रेशन होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर।